नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज बूस्टिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ फायरो बी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टेस्ट के बारे में सुना भी नहीं होगा कि ये फायरो बी टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट में जो है हम जो स्टडी किया जाता है वो किसी भी आदमी के इंटरपर्सनल रिलेशंस और उसके बिहेवियर ओरिएंटेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। वो इगोइस्टिक टाइप का व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है, या लोगों के प्रति उसका नेचर कैसा है, वो डिक्टेटर टाइप में है या बहुत पोलाइट है, या लोगों के प्रति उसके कैसे बिहेवियर हैं, कैसे लोगों के साथ में एक दूसरे के साथ में वो बिहेव करता है, काफ़ी हद तक इस टेस्ट के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक सविनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए फिर दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों फिर हम बात कर रहे हैं फायरो बी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट हम कैसे करते हैं, इसका जब भी कभी भी हमारा कोई जो है कॉमन इंडक्शन लर्निंग होता है, या ग्रुप में कभी भी जो है कहीं हम किसी जो है सेमिनार में या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम जाते हैं, वहाँ पर जो है शुरू में जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो जब एक तरह का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उस समय जो है जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो इस तरह के टेस्ट करवाते हैं कि हमारे जो सबॉर्डिनेट आए हैं, हमारे जो नए रिक्रूट होकर के जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ताकि उसके हिसाब से उनको ट्रेन किया जा सके और वो जो है अपने बिहेवियर में जो है अपने व्यवहार में जो है काफ़ी चीज़ों को सुधार ला सकें। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आपको जो है सारे जितने भी इसमें एक टीम होती है, इस टीम में जितने भी लोग होते हैं, उन सारे लोगों को जो है एक एक बुकलेट दी जाती है, जिसमें 50 to 56 अराउंड जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और आपको हर क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। उसमें जो है आपके जो है 1, 2 से लेकर 5 तक मार्क्स होते हैं। जैसे उसमें सवाल कुछ आपके व्यवहार से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप जो है जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कम आता है, या कितना आता है, तो उसमें आपको पॉइंट जो है मार्क्स देने होते हैं। या फिर आपको जो है अपने काम जो है खुद करना पसंद है, या फिर जो है आप दूसरों को ऑर्डर देना पसंद करते हैं, या फिर आप कितने हद तक कंप्रोमाइज़ करते हैं अपने आसपास, इस तरह के उसमें जो है आपके जो है बिहेवियर से रिलेटेड जो है उसमें 50 to 56 अराउंड जो है मोर देन 50 क्वेश्चंस होते हैं, और जिनको आपको उसमें जवाब देना होता है। और बाद में जो है आपके उस जो आंसर आते हैं, उन सारे जो है अल्टरनेटिव जो आपने अलग अलग जो है सब्जेक्ट में जो मतलब अलग अलग क्वेश्चन में जो आंसर दिए होते हैं, उनको फिर जो है टोटल करके एक जो वैल्यू देखी जाती है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आपका एक जो है ग्राफ जो जनरेट होता है कि आपका जो है ओवरऑल वहाँ से मतलब पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ये चीज़ें की जाती हैं। इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो बाहर निकल के आ जाती है, जैसे वो अपने से साथ जो भी उनके साथ टीम में काम कर रहे हैं, या जो भी उनके घर परिवार में लोग हैं वो उन पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, या वो अपने कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है आते हैं, निकल के आते हैं, या जो है वो उनके उनको किसी भी कार्य को करने के प्रति कितनी जो है फर्म डिटर्मिनेशन होता है, कितनी दृढ़ निश्चयता होती है कि वो जो है किसी काम को करने के लिए कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी व्यक्ति की जो एक ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी है वो इस टेस्ट के माध्यम से निकल करके बाहर आती है। तो दोस्तों जो है ये हर वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो शुरू में वहाँ पर ज्वाइन करते हैं या जाते हैं, तो ये टेस्ट जो है उनका ज़रूर वो टेस्ट कराते हैं। इससे क्या है कि उनको अपने जो कर्मचारी हैं उनके बिहेवियर को समझने में आसानी मिलती है, और काफ़ी हद तक जो है उनके जो एक जो थॉट प्रोसेस है उसको भी उसको इम्प्रूव करने में उनको जो है मदद मिलती है। तो यही होता है दोस्तों फायरो बी टेस्ट में। और
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे लगा कि ये काम की जानकारी है, आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, फिर वंदे मातरम।